मेरा नाम मुजफ़्फ़र आज़म है, मैं उमरानी बलोच हूँ बाई कास्ट, और मेरा ताल्लुक जो है एक बलूचिस्तान के बहुत बैकवर्ड एरिया से है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है ना होने के बराबर है, डिस्ट्रिक्ट कलात। और स्कूलिंग मेरी जो हुई है वो क्वेटा से हुई है, एंड आई हैव डन माई ओ लेवल्स फ्राम फजल कॉलेज मर्दान, देन आई हैव डन माई एल एल बी फ्राम लंडन यूनाइटेड किंगडम, एंड आई हैव ऑल्सो डन माई बारेट लॉ फ्राम यू के। हमारे सोसाइटी में अगर देखा जाए तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स बहुत वायलेट और ब्रीच किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर उनको इल्म ही नहीं है कि उनके कौन कौन से राइट्स जो है ना वो वायलेट हो रहे हैं। इन दैट केस मुझे ये लगा कि मैं एज अ बैरिस्टर उनको क्विक रिलीफ दिलवा सकता हूँ, उनके राइट्स को सेफ गार्ड कर सकता हूँ। और लीगल प्रोफेशन जो है ना वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फोरम है मेरे लिए कि मैं अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए खिदमत कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक इंस्पायरेशन थी कि मैं वकालत करूँ और अपने मुल्क और कौम के लिए और उनके लोगों के लिए काम आऊँ। जहाँ पर एक स्टूडेंट यूके में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे, उसके लिए चांसेस बनते हैं कि वो यूके में भी कुछ काम कर सकता है। लेकिन आई रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ माय फादर हु सेड, मुझे भेजने से पहले ही सेड टू मी कि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन यू, आई एम इन्वेस्टिंग इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, यू हैव टू गो कम बैक एंड सर्व हियर। तो तब से मैंने ये अपने माइंड में बना लिया था कि आफ्टर गेटिंग अ बारेट लॉ डिग्री आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड आई विल सर्व माई पीपल। लंदन में मेरी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। जितने भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैं कर सकता था मैंने किए, और जिसने मेरे स्किल्स को एज एन एडवोकेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया और बहुत पॉलिश किया। मैं यहाँ पर 2 साल से तकरीबन टीचिंग भी कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ये भी देखा है कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा टैलेंट है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमी है, वो ये है कि फैसिलिटीज़ जो है ना वो उनको प्रॉपर नहीं मिलते। उनको अगर मूड कोर्ट सोसाइटीज़ बनाई जाए, रिसर्च सोसाइटीज़ बनाई जाए, उनको कोर्ट के लिए मार्शलिंग के लिए अलाउ किया जाए, उनको ये मौका दिया जाए, मतलब टीचर्स उनके लिए मौका बनाएं कि वो जाकर कोर्ट विजिट्स कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा तो पहले तो इसके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अच्छे फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए टीचर्स को, उनके पहले तो तनख्वाहें मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिलती हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन्वेस्ट इतना नहीं किया जाता है। एजुकेशन को एक बिज़नेस ना बनाया जाए, एजुकेशन को इस नीयत से प्रमोट किया जाए, इस नीयत से फैसिलिटीज़ देने चाहिए ताकि हम इस जनरेशन को अपने फ्यूचर के लिए बनाएं। और बलूचिस्तान में स्पेशली हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो हम लैक कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। देखा जाए हमारे पास प्रोफेसर्स भी अवेलेबल हैं, टीचर्स भी अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटेंट अवेलेबल हैं, बट इज़ लैकिंग इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमें वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, हमें रिसर्च फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। बेसिकली बार मैंने जो एज अ बैरिस्टर कॉल हुआ, द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्सिन ने मुझे एज अ बैरिस्टर कॉल किया है, और मैं उन्हीं का ही मतलब रजिस्टर्ड बैरिस्टर हूँ। वो एक्सपीरियंस तो इंतहाई ज़बरदस्त रहा। बारेट लॉ की स्टडीज़ बहुत ही कॉम्पिटेटिव हैं और टफ स्टडीज़ होती हैं, जहाँ पर मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने हार्ड जो है ना प्रोसेस से गुजरूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने वो सक्सेसफुली उसको पास भी किया है, जिसमें इस बार्ट लॉ की स्टडीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप अगर देखा जाए लीगल फील्ड में, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, फाइल को प्रिपेयर करना, और इसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू कन्वेंस अ जज, जज को कैसे कन्वेंस करना है, और अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमें सिखाई गई बार्ट लॉ में, और ये मेरा एक्सपीरियंस इंतहाई ज़बरदस्त रहा। मैंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस स्टार्ट की अगस्त 2017 में, और मुझे तकरीबन अभी साल दो ही हो रहा है कि मैंने मेरी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हुई है, और इतना ही अरसा मुझे तकरीबन होता है। इस प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए। डाइवर्सिटी इस लिहाज से कि जितने मेल यहाँ पर है उतने फीमेल्स को भी होना चाहिए, उसी तरह जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी होना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हमारे भाई हों, चाहे वो हिंदू हो हमारे भाई, उनको इसी तरह इस सोसाइटी में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा क्लाइंट का और वकील का एक ताल्लुक बनता है कि यहाँ पर ट्रस्ट ज़्यादा एक दूसरे पर करते हैं। एक वुमेन कम्फर्टेबल होगी एक वुमेन एडवोकेट को अपने फैक्ट्स बताने में, अपने केस बताने में, वो ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पर होगी। तो इसी तरह यहाँ पर अगर जेंडर में इक्वालिटी ना हो तो ये प्रोफेशन जो है ना पीछे से पीछे जाता जाएगा। वुमेन्स को मैं इंकरेज करूँगा कि वो इस प्रोफेशन में आए, वो अपने अपना जो पार्ट उनका है प्ले करें यहाँ पर इस प्रोफेशन को आगे ले जाने में। इंटर्नशिप एक स्टूडेंट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, और उनको रियल लाइफ जो कोर्ट में हो रहा है उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में देगी, और नो हाउ जो है ना देगी केसेस के बारे में और कोर्ट के बारे में क्या हो रहा है। तो इंटर्नशिप के लिए मैं स्टूडेंट्स को इनक्रेज करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स को अप्रोच करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वी वांट टू शेडो यू इन द कोर्ट्स, वी वांट टू सी योर आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट्स, ताकि आप जाएं, फाइल पढ़ें और उनके आर्ग्यूमेंट्स देखें, यू विल सी द डिफरेंट स्टाइल ऑफ एडवोकेसी। इसके साथ साथ मैं खुद ये अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह ज़रूर ऑफर करूँगा स्टूडेंट्स को, बल्कि करता भी हूँ जो मुझे अवेल कर अप्रोच करता है, कि उनको मैं कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बुलाऊं, ताकि आई विल गिव देम अ चांस टू सी माय आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट और हाउ टू कन्वेंस अ जज। क्रॉस एग्जामिनेशंस भी होती हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ भी इसमें किया जाता है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंटर्नशिप एक स्टूडेंट को बहुत ज़बरदस्त एडवोकेट इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाएगी। फ़र्स्ट एवर जो आर्ग्यूमेंट्स मेरे कोर्ट में हुए थे वो मैंने, मुझे याद पड़ता है कि मैंने सिविल केस में किए थे, और वो फाइल इतनी उसमें फैक्ट्स लिखे हुए थे, तो आई हैव स्टडीड इनसाइड आउट, मुझे वो सारी फाइल पता थी। उस फाइल के बारे में जो भी कानून था उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया हुआ था। वो छोटी सी एक अप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स थे, बट आई हैव रेड ऑल द फाइल। इसके साथ साथ मुझे तमाम कानून याद थे, मैंने तमाम कानून को निकाला था, अपने आर्ग्यूमेंट्स मैंने तैयार किए थे। अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने के बाद मैंने अपने अपोनेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस किया था कि व्हाट ही विल आर्ग्यू इन द कोर्ट, ताकि मैं उसका रिबटल बना सकूं, उसको मैं वहां पर रिबट कर सकूं और जज को कन्वेंस करूं कि ही शुड डिसाइड इन माई फेवर। जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि वो पहले तो बहुत स्ट्रांग रहें इस फील्ड में आने के लिए। स्ट्रांग इन अ सेंस आपको ये रहना है कि आप जब एक वकील बनते हो तो आपको एक क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए जो है ना आप लड़ रहे हो, उसके लिए आपको पहले तो खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको वाइडर रीडिंग करनी है, आपको रिसर्च स्किल्स आने चाहिए, आपको उस कानून का पता होना चाहिए, आपने ऐसे सीनियर्स और ऐसे ऑफिसेज में ज्वाइन करना है जहाँ पर काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्क मिले, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपको मिले, और आप कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पेश हों।
लीगल प्रोफेशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो राइट बनता है हर इंसान का वो ये है कि हर इंसान को जो है ना कोर्ट में फेयर ट्रायल दिया जाए, इसके साथ साथ उनको क्विक रिलीफ देने की कोशिश की जाए। क्विक रिलीफ इन अ सेंस इस तरह हो कि ना ही किसी पार्टी को प्रेजुडाइज काज हो, उनको ये मौका दिया जाए ताकि वो अपना डिफेंस बना सकें, उनको ये मौका दिया जाए ताकि वो अपने गवाह चला सकें। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो वकील हैं वो अपने जो रिस्पेक्ट है उसको कभी डिसरिप्यूट ना करें, उसको एथिकली जो है ना वो अपने केसेस को प्लीट करें। कोई भी ऐसा मौका या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन किसी और के लिए ना हो, मतलब आप गुंजाइश ना रखें कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सकें। यू आर बिकॉज वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। ट्रू ड्यूटी ऑफ अ लॉयर, देर आर टू ड्यूटीज इन माई ओपिनियन विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज। द फर्स्ट वन इज़ ड्यूटी टू द कोर्ट। हर वकील की ड्यूटी है टू द कोर्ट। आपने कोर्ट को कभी मिसलीड नहीं करना, आपने कोर्ट को कभी गुमराह नहीं करना। एंड द सेकंड वन इज़ ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करोगे। आपने एक तरफ कोर्ट को गुमराह भी नहीं करना, ना ही उसको मिसलीड करना है, दूसरी तरफ आपने अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। सो इन दैट सेंस ये दो ड्यूटीज़ आपने फुलफ़िल की, यू विल बिकम अ बेटर एडवोकेट। मैं उनको यही एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स को कि आप ये जो प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है, वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आप आएँ, लेकिन आप इस नियत से आएँ कि आपने यहाँ पर काम करना है, आपने अपना नाम बनाना है, आपने अपने कंट्री के लिए काम करनी है। यहाँ पर काम करने के लिए इंतहाई ज़्यादा है, सिर्फ वकालत नहीं होती इसमें, कोर्ट्स में आप पेश नहीं होंगे, आपके साथ बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको कोई नहीं सुनता, जो जिनकी उनकी आप आवाज़ बन सकते हैं। एडवोकेट आपको वकालत आपको ट्रेन करती है कि आप दूसरे के केस को, दूसरे के मैटर को किस तरह प्लीड करोगे, किस तरह आप पुट फॉरवर्ड करोगे ताकि उसको दुनिया सुने और आपके जो है ना आप उनको राइट्स दिलवा सकें।